दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 की लाइव फीड में बीती रात को तेजस्वी प्रकाश, जय भानुशाली, विशाल कौरियन और अकाशा सिंह इन चारों कंटेस्टेंट की जंगल वाले हिस्से से मुख्य घर के अंदर एंट्री हो गई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि घर के अंदर एंटर होते ही इन चारों कंटेस्टेंट ने जंगल वासियों के सारे राज खोल डाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों ये चारों सदस्य घर के पुराने सदस्य यानी कि समिता, निशांत और प्रतीक के साथ बैठकर प्लानिंग प्लॉटिंग बनाते हुए नजर आए। इस दौरान दोस्तों तेजस्वी और जय भानुशाली ने बता दिया कि किस तरीके से हम मैप को कहां पर छिपाते थे और किस तरीके से किस किस के बैग में कितने कितने मैप को टुकड़ों को रखते थे। ये सारे के सारे राजों का पर्दाफाश बीती रात को इन चारों ने मिलकर घरवालों के सामने कर दिया है। हालांकि दोस्तों तेजस्वी प्रकाश ने अभी तक करण कुंद्रा से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा जिस तरीके से रात को मैप की सिलाई करके उसे एक टुकड़ा बना देते थे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक बड़ा टुकड़ा बनाने की जो चाल चल रहे थे, वो राज अभी तक समिता, निशांत और प्रतीक के सामने नहीं खोला है और उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी करण से किया हुआ अपना ये वादा कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं तेजस्वी भी अब गेम खेलने आई है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो मुख्य घर की सदस्य बन चुकी है, तो जंगल वासियों के खिलाफ तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इस घर के अंदर सभी लोग अपना अपना गेम खेलने आए हैं और तेजस्वी भी अपना गेम बखूबी खेलना जानती है। और दोस्तों तेजस्वी की सबसे अच्छी बात तो ये है कि तेजस्वी ने मुख्य घर के अंदर जाने से पहले करण से ये वादा किया था कि जब तक मैं इस घर के अंदर हूँ यानी कि जंगल वाले हिस्से में हूँ, तब तक मैं यहाँ अपना 100% योगदान देती रहूंगी, लेकिन मैं वहाँ जाते ही उस घर के लिए खेलना शुरू कर दूंगी, जिस पर करण ने भी अपनी सहमति जताई थी। फिलहाल दोस्तों आपको तेजस्वी के प्लान कैसे लगे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।